मैं इस घर से बड़ा नहीं हूं काकू। इस घर को जोड़ के रखना तोड़ना मेरे हाथ में नहीं है और ना ही ये फैसला मेरा है। और अब तो वैसे भी गंदी मछली को निकाला जा रहा है ना, तो तालाब अब खुद ब खुद साफ हो जाएगा। अच्छा, तो तुम ये मानने लगे हो कि तुम इस तालाब की गंदी मछली हो? क्या गंदी मछली को पूछा गया था निकालने से पहले? नहीं नाई, तो अब क्यों पूछना? आप लोग अपनी सोच अपने पास रखिए ना। हमारी ये सोच तुम्हारी वजह से ही बनी है। हम सबने तेरी हरकतें देखी हैं, लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा है तुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये घर छोड़कर जाओगे, वो भी सही के लिए नहीं, किसी और औरत के लिए। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं चलता हूं। कैब आने वाली है। विराट रुको, क्या मैं पूछ सकती हूँ विराट कि तुमने ये कैब कहाँ के लिए बुक की है? वैसे कहाँ रहने का सोचा है तूने? जब रिश्ता तोड़ने से पहले सोचा नहीं, तब ये पूछने का क्या फायदा कि मैं कहाँ रहूंगा या नहीं रहूंगा, जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, क्या मतलब है इस सब का? वैसे ये सारी बातें तू कब तक सबसे छुपाएगी? एक ना एक दिन तेरी पूरी डिपार्टमेंट को ये बात पता चली जाएगी, और वो दिन दूर नहीं जब तेरी हरकतों की वजह से तुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सईद की जगह कोई और लड़की होती ना विराट, तो अब तक तेरे खिलाफ कंप्लेन कर चुकी होती। लेकिन सईद कभी भी जानबूझकर तुझे किसी भी मुसीबत में नहीं डालेगी। ये फर्क है हमारी सईद में और बाकी लड़कियों में। सईद चाहे तो मेरे खिलाफ कंप्लेन कर सकती है। मैं ये भी जानता हूं कि मेरी नौकरी कैसे जा सकती है और किन वजहों से जा सकती है। दोषी साबित हो गया तो चली जाए मेरी नौकरी, चलेगा मुझे। क्या चलेगा? क्या क्या चलेगा? तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, ये चलेगा? तुम्हारी जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया है, वो श्रुति के साथ रहना, ये चलेगा? वो श्रुति तुम्हारे लिए सब कुछ हो गई है, ये चलेगा? अश्विनी बस करो, इसे और कोई सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। इसे सवाल करना मतलब दीवार पर सर पटकने जैसा है। एक बार दीवार जवाब दे दे, लेकिन ये कुछ नहीं बोलने वाला। पापा, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ये मेरा आशीर्वाद लेने कौन आ गया है? इस इंसान को तो मैं नहीं जानती। ठीक है आई, वैसे भी अगर आप आज मुझे आशीर्वाद देती तो दिल से नहीं देती। आज आप मुझे पहचानने से इनकार कर रही। आज मैं आपके लिए अजनबी हूं, मला माफ करा। शांत हो जा, संभाल अपने आप को।
बोला था ना कि वीरू और सई को कभी अलग नहीं होना चाहिए, अब तो सई और वीरू दोनों घर छोड़ के अलग अलग चले गए। पता नहीं उन दोनों के साथ क्या होने वाला है। हाय मिस्टर चव्हाण। हेलो डॉक्टर। श्रुति कैसी है, उसे होश कब आएगा? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी वाइफ का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया, लेकिन अभी भी उन्हें कांस्टेंट मॉनिटरिंग और केयर की जरूरत है। सब ठीक तो है ना? एवरीथिंग इज नॉर्मल, आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। एक्चुअली जो केयर और मॉनिटरिंग की आपकी वाइफ को जरूरत है ना, वो फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में है नहीं। विराट ऐसा कैसे कर सकता है? उसी की वजह से तो इस घर में आई थी। पहले सई को लाके उसने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ा। खैर वो सब तो मैंने जैसे तैसे झेल लिया था, मगर कम से कम वो मेरी आंखों के सामने तो था। लेकिन अब तो वो इस घर से ही चला गया। मैंने सम्राट को जैसे तैसे अपने से दूर रखा हुआ था अभी तक, लेकिन क्या मुझे उसे ही अपना पति मान लेना होगा? मैं क्या करूं? क्या करूं? वहीनी, अश्विनी वहीनी। नहीं नको, मन नहीं है। अश्विनी अपने चेहरे को अखबार मत बना जिसमें सब लोग हमारे घर का हाल पढ़ सके। पटनायक भाव साहब के यहाँ सत्यनारायण कथा में हमारे पड़ोसी भी आए हैं, मन ना भी हो तो भी थोड़ा सा हंस ले। कुछ खा ले। दे, प्लेट दे। ये समोसा टेस्टी दिख रहा है, खा ले। खा, तुझी प्लेट कूटेगा। मैंने खा लिया। अश्विनी जी, भवानी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भवानी आई आपकी? वो मेरी बहू करिश्मा है ना, वो मायके गई है और हमारी पत्रलेखा की तबीयत हेल्थ सेहत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो नहीं आ पाई। और अश्विनी जी, आपकी बहू, अरे वो जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, उसे साथ में नहीं लाई क्या आप? उसे कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए कॉलेज गई है। आपको कैसे पता? वो तो अभी आपके साथ रहती भी नहीं है। मेरी बेटी ने देखा था, आपकी सही सामान लेके घर छोड़ के चली गई। अरे तुम तो बोल रही थी कि विराट भी घर छोड़ के चला गया है। हाँ वो चला गया है छोड़ के। अरे ऐसी क्या बात हो गई, पहले बहू घर छोड़ के गई, फिर बेटा घर छोड़ के गया, अरे दोनों अलग हो रहे क्या? नहीं, दोनों अलग नहीं हो रहे हैं, वो किसी काम से गए हैं, बस बहुत जल्द लौट भी आएंगे। भवानी जी, आपकी छोटी बहू है ना, पहले भी बहुत बार घर छोड़ चुकी है। मेरी बेटी ने तो वीडियो बना के भेजा है उसका। आपकी बहू ना आपके परिवार की बेइज्जती कर रही थी पूरे मोहल्ले में, और सारा मोहल्ला देख के हंस रहा था। असद नाई कराला पाइजे होता ना तीने। क्या बात कर रही हो, अरे ऐसा भी हुआ था क्या? अरे जरा वो वीडियो मुझे भी भेजना, मैं भी तो देखूं उनकी छोटी बहू ने क्या क्या ड्रामा किया था। मेरे घर की इज्जत इस तरह खुलेआम उछलेगी, कभी नहीं सोचा था। इनको अभी नहीं रोका तो बात और बढ़ जाएगी। वो मेरी बहू नहीं है। तुम लोग यहाँ पर पूजा के लिए आए हो या गप्पा गोष्ठी करने? भवानी जी, अब चार पड़ोसन मिलेगी तो थोड़ी बातचीत तो होगी ना, और आप तो तलाक के सब खिलाफ थी, फिर आपने कैसी परमिशन दी? अरे परमिशन कोई मांगेगा तब तो देंगी ना, बहू तो पहले घर छोड़ के चली गई, वो भी दूसरी बार, वो भला क्या परमिशन मांगेगी। अब देखना सीधा डाइवोर्स के कागज भेजेगी। अब अश्विनी, तेरे बहू बेटी की बात चल रही है ना, अरे कुछ तो बता क्या हो रहा है, तेरे बहू का किसी के साथ चक्कर चल रहा है क्या? हाँ अरे आजकल तो ये बहुत होता है। और हाँ, कहीं तेरी बहू भाग तो नहीं गई ना उसके लवर के साथ? वैसे तो आजकल ना लड़कियों का जरा भी भरोसा नहीं। गप्पा मजा ना, मैं अपनी बहू के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनूंगी, उसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरे बेटे ने की है। अच्छा क्या किया है तुम्हारे बेटे ने? अरे ले देके प्रॉब्लम क्या होती है, होगा किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर। अरे देवा, इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर और दूसरी औरतों के साथ संबंध रखता है? बस
क्या बकवास कर रही हैं आप लोग? शर्म नहीं आती? भवानी जी, आप तो घर की बड़ी है ना, अब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप तो बड़ा हमें ज्ञान देती थी, अब खुद के घर में डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स, और आप कुछ नहीं कर पा रही हैं। अरे ऐसी बात टॉक वार्तालाप क्यों कर रही हैं? आपको क्या लगता है हमारी वहिनी ने समझाया नहीं होगा विराट को? उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि दूसरी औरत के लिए अपनी बीवी पत्नी भाइयों को मत छोड़, लेकिन वो सुने तब ना। सोनाली, क्या बकवास की जा रही है तू? अक्कल घास चरने चली गई है क्या? नहीं, मैं आपके ही मान सम्मान रिस्पेक्ट के लिए बोल रही हूँ। अरे अब कैसा मान सम्मान? भवानी जी, आप तो अपने घर में बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन आपके भतीजे ने आपकी नहीं सुनी और घर छोड़कर चला गया। आइंदा हमें घर कैसे चलाना है और बहुओं को कैसे कंट्रोल में रखना है, प्लीज इसका भाषण तो दीजिएगा ही मत। और हाँ, आपने हमें विराट की शादी में तो इनवाइट किया नहीं था, कम से कम डिवोर्स हो जाएगा तब तो बुला लीजिएगा हमें। और क्या चल रहा है वो ट्रेंड आजकल? अरे हाँ, वो ब्रेकअप पार्टी। कम से कम हमें डिवोर्स पार्टी में बुला लेना आप, और क्या। डिवोर्स पार्टी, बड़ा मजा आएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।